तरफ भी अगर आप देखें तो ये सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं एक दिन के भोजन का। इनका कहना है कि भोजन बेहद मुश्किल से इन्हें यहाँ पर मिल पाता है। अब क्या सरकार की तरफ से इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है, ये तमाम सवाल हम इनसे पूछते हैं। इनका कहना है कि एक टेम्पो जरूर आता है भोजन लेकर, वो कौन लेकर आता है इन्हें पता नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो मजदूर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। ये बताइए कि भोजन कितने दिनों से आपको नहीं मिला? संडे से नहीं मिल रहा, ढंग से नहीं मिल रहा है। कोई आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। आपने भोजन किया संडे से? नहीं जी, बहुत कम। मन करा तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं। तो यहाँ पर क्या सरकार की तरफ से कोई नहीं आया भोजन बांटने? सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा अभी। हाँ, लेकिन यहाँ पे कौन कौन लोग हैं और आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ जी। आप रिक्शा चलाते हैं? अब लॉकडाउन में तो रिक्शा नहीं चला पा रहे हूँ। नहीं जी। यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आए हो, आपकी बात होती होगी, आप इनसे मिलते होंगे, क्या कह रहे हैं लोग? ये सब मजदूर आदमी है जी, हमेशा यहीं रहने वाले हैं। कोई रिक्शा चलाता है तो कोई मार्केट में काम करता है और कोई धक्का मार के काम करता है। कोई बाहर से घर से कोई आ गया इनको मजदूरी में ले जाने के लिए, घर बनाना है या नल बनाना है, सब लोग इधर ही हैं। ये फिर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं है ये। भोजन क्या दिन में एक बार भी नहीं मिलता? भोजन नहीं मिलता है, किसी को मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। ऐसा कोई आप जिससे मिले हो जिसने बिल्कुल भी भोजन ना किया हो पिछले कई दिनों से, ऐसे कई लोग? ऐसे तो मैं बता नहीं सकता जी, ऐसे तो भाई जिनको वो बोल पाते भी हैं, नहीं भी बोल पाते हैं, क्योंकि डर की वजह से, पुलिस की वजह से और कुछ ये कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग गुस्से हो जाते हैं। यही मजदूर लोगों में से आपने क्यों बोला हमको, पुलिस तंग करेगी, मारेगी है, ये ऐसा हो रहा है। डर डर के बैठे हुए हैं, इनके अंदर डर बिठा दिया है लोगों ने। लेकिन भोजन नहीं मिल रहा? डर बिठा दिया है लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है। हाँ, भोजन नहीं मिल रहा है। हाथ में प्लास्टर है और इनका कहना है कि भोजन वक्त पर नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? विशन कुमार। विशन, ये बताएं कि ये कितने दिनों से प्लास्टर आपके हाथ में है, ये खुलवा नहीं पा रहे हैं क्या आप? ये सर मेरा 6 हफ्ते का था, अब लगभग 2 हफ्ता और रह गया है। अब भागा दौड़ भी नहीं कर सकता हूँ, खाने के लिए बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कोई कोई बंदे तो ऐसे भी है, देखिए हमसे भी बुजुर्ग है, हम तो थोड़ा सा सहन शक्ति कर पा रहे पर बुजुर्ग लोग नहीं कर पाते, तो इसी में बंदे मर भी जाते हैं कोई, देखिए भूख से। और गवर्नमेंट क्या कहती है, यहाँ की जनता की सराहना हो गया, मार दिया। क्या होता है, भूख ही एक ऐसी चीज है जिससे कमजोरी पैदा हो और कमजोरी से ही रोग पैदा होती है। अब आदमी को खाना ही नहीं मिलेगा तो वो कमजोरी तो होगा ही, जो कमजोर होगा उसको रोग भी होता है सर। ये बताइए कि आप मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और डॉक्टर के पास जाना था आपको, आप जा पाए क्या इलाज के लिए? मैं गया हूँ सर, आशा अरुणा आशापल्ली पे मेरा इलाज चल रहा था। ये लॉकडाउन के टाइम पे मैं 2-3 बार गया, वहाँ जाने के बाद मेरे को दवा नहीं मिला। वो बोल रहे हैं कि इमरजेंसी के लिए, जो मरने वाला हो जैसे इमरजेंसी केस के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। अब ये मेरा 5 हफ्ते का दवा है, 6 हफ्ते का। अब कुछ दिन तो खाया मैंने जब तक सरकारी अस्पताल से लाया, अब दवा मेरा खत्म हो गया। कैल्शियम का हड्डी जोड़ने वाला दवा था वो खत्म हो गया, अब 5 दिन का दवा के लिए 155 रुपया बोल रहा है। अब आपने देखा यहाँ का सिचुएशन कैसा है कि आदमी यहाँ से रोड तक नहीं निकल पाता है, तो मैं अपने दवा का खर्च कहाँ से करूँ? तो अभी इतने रुपए भी हैं आपके पास? मेरे पास 1 रुपया नहीं है सर, नहीं तो मैं कल परसों ही लाके खा लेता दवा।